हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शिक्षा कोच में। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे हम सभी एसएससी जीडी के जॉब प्रोफाइल के बारे में कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का पोस्ट क्या है, जॉब में क्या करना पड़ता है, इसका न्यू सिलेबस क्या है, पढ़ाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सी बुक को फॉलो करेंगे जिससे कि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सके, दौड़ रणनीति क्या बनाना है आप सभी को, सारा चीज का ए टू जेड जानकारी देने वाले आज के इस वीडियो में। अगर आज के इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक देख लेते सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते आज के इस वीडियो को। वीडियो को शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अभ्यर्थी को 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10th पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे वो सेकेंड डिवीजन हो, चाहे वो थर्ड डिवीजन हो, परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं एग्जाम सिलेबस क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी जीडी का एग्जाम सिलेबस जो है वो चार सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 अंक का। गणित से मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 अंक का। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 अंक का। हिंदी या इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 अंक का। हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल रहता है। अगर आपका हिंदी मजबूत है तो आप हिंदी को रख सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो आप सभी इंग्लिश को रख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपका हिंदी मजबूत है तो आप हिंदी रख के 25 क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश रख के 25 क्वेश्चन बना सकते हैं और 25 नंबर आप पा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्जाम्स पेपर में, 100 अंक का। एक क्वेश्चन पे आपको एक अंक दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, चाहे वो गलती क्यों ना हो जाए, 100 में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर समय की बात करें, समय आपको कितना दिया जाएगा एग्जाम्स पेपर के लिए, तो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कि डेढ़ घंटा, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इतने समय में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये है एसएससी जीडी का एग्जाम सिलेबस, आप सभी इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध स्टैटिक जीके, आपका करेंट अफेयर, ये सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। आइए जानते हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है ताकि आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। देखिए, सबसे पहले जो बुक आपको सजेस्ट करने वाले हैं वो है लूसेंट जीके, लूसेंट समान ज्ञान का। बगल में फ्लश होगा, आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक हो जाएंगे, जिसमें कि आपको थ्योरिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के मिलते हैं टॉपिक वाइज। अगर आप सभी टॉपिक वाइज हर चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आप सभी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है जनरल कंपिटिशन एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी इसे जरूर फॉलो कीजिए और तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए। और दूसरा बुक आपको सजेस्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस में, समान अध्ययन में, स्पीडी जीके का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक से पेपर में प्रश्न बनते हैं। अगर आप 25 में 25 क्वेश्चंस को एक्यूरेट सही करना चाहते हैं तो ये दो बुक को आप जरूर फॉलो कीजिए जहां से प्रश्न बनते हैं। रेलवे स्पीडी में आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, पूछा हुआ सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सब इसे जरूर फॉलो कीजिए। अगर इससे भी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोनों बुक को आप एनालाइज करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक जरूर बनाइए, आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर बनाइए ताकि आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक हो सके और हाईएस्ट स्कोर के साथ आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सके। तो यहां से आप सभी जनरल अवेयरनेस का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और 25 में 25 क्वेश्चन को एक्यूरेट सही करके 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं आप सभी।
अब बात करेंगे आप सभी मैथमेटिक्स के लिए किस बुक को फॉलो करेंगे आप सभी, तो आर एस अग्रवाल का एक मैथमेटिक्स बुक आता है, काफी अच्छी बुक है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल का मैथ का बुक। तो आप सभी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बगल में प्लस हो रहा है आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप अरिहंत बुक को फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है अरिहंत का, मैगजीन टाइप में आपको मिल जाएंगे, तो आप सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है, आप सभी इजी में सॉल्व कर सकते हैं सारा क्वेश्चन को। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए किस बुक को फॉलो करेंगे, तो लुसेंट का ही जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का बुक आता है, तो आपसे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा तो आपका नेक्स्ट लेवल तक तैयारी हो जाएंगे। तो आप सभी यहाँ से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, सारा बुक बगल में फ्लश हो रहा है आप सभी देख सकते हैं, तो यह बुक को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपका बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएंगी। सबसे अधिक पकड़ करना है आपको जनरल अवेयरनेस सम्मान अध्ययन पर, क्योंकि इससे पेपर में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ जाता है और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो इससे आपको बेहतर तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो आप सभी सिलेबस को समझ गए, बुक को समझ गए, आइए जानते हैं हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, जो कि डेली बेस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा एसएससी जीडी के लिए, जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का कोशिश किया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं उस टॉपिक से आपको प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर होते चल जाए और आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक हो सके। उसके बाद करंट अफेयर हम कवर करवा देंगे आपको, बेहतर तरीके से करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। देखिए करंट अफेयर के लिए आप सभी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मैगजीन टाइप का बुक ले सकते हैं, जैसे अरिहंत का बुक हो गया, स्पीडी का बुक हो गया, करंट अफेयर में आप सभी उसे फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको करंट अफेयर कवर करवा देंगे, तो आप सभी करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको एसएससी जीडी का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो आप सभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके और आप तुरंत क्लास में जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को आप मजबूत कर पाएंगे। आइए जानते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में, फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप पुरुष हैं तो हाइट आपका 170 सेमी होना चाहिए, चेस्ट 80 से लेके 85 सेमी, बिना फुलाए 80, फुला के 85। अगर रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, जो कि समय आपको 24 मिनट का दिया जाएगा, 24 मिनट के अंदर में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना है। अगर बात करें फीमेल महिला के बारे में, तो हाइट आपका 157 सेमी होना चाहिए, चेस्ट नहीं रखा गया है, रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8:30 में आपको कवर करना है। अगर बात करें उम्र के बारे में, तो न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया, अधिकतम 23 वर्ष रखा गया है। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट दिया जाता है, तो आप सभी देख सकते हैं 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है, तो आप सभी अगर इस एज को पार नहीं किए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए बात करते हैं चयनित प्रक्रिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अभ्यर्थी का चयन, अभ्यर्थी कर लीजिएगा यहाँ पे, अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपका जो एग्जाम होने वाले हैं, पेपर जो होने वाले हैं, ऑनलाइन पेपर होने वाले हैं, जहाँ कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 90 मिनट का आपको दिया जाएगा, 100 अंक दिया जाएगा, सीबीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आप सभी का। चयन जो होंगे आपका, सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे, वह शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आइए जानते हैं एसएससी जीडी पोस्ट क्या है। आप सबको बताना चाहिए एसएससी जीडी के अंतर्गत कुल 8 फोर्स आते हैं, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो ये कुल 8 फोर्सेस जो कि एसएससी जीडी के अंतर्गत आते हैं। अगर इन फोर्सेस में बात करें सबसे बेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा रहने वाला है आपके लिए, अगर आप पढ़ने में विरलेंट हैं, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और हाईएस्ट स्कोर के साथ लगता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आप सभी NIA को रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पोस्ट है और अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाता है, खतरा भी कम रहता है।
इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, जैसे भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसकी संज्ञेय जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था NIA का, तो इसमें आपको जांच करना पड़ता है। तो ये बेस्ट पोस्ट है, आप सभी इसे पहले नंबर पर रख सकते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आप सभी SSF को रख सकते हैं। इसमें काम क्या करना पड़ता है, जैसे कि बड़े बड़े मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, तो उसकी सुरक्षा करनी होती है आपको, उसकी सुरक्षा में आपको दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, राष्ट्रपति की सुरक्षा करना, तो उसमें आपको दिया जाता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आप सभी इसे दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। देखिए तीसरे नंबर में आपको कौन सा पोस्ट रखना है, तो CISF को रखना है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी इसमें दी जाती है। अगर बात करें इसमें काम क्या करना पड़ता है, तो जैसे देश के छोटे बड़े उद्योगों की सुरक्षा करना पड़ता है। इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जैसे कारखाना, कोई कारखाना में आपको दे दिया जाता है तो वहाँ आप काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी इसमें मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चौथा नंबर की बात करें तो SSB भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें काम क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कि नेपाल की सीमा हो गया, भूटान की सीमा हो गया, स्पेशल इस पे आपको तैनात किया जाता है, जहाँ की खतरा भी कम रहता है और खतरे के हिसाब से आपको सैलरी भी दिया जाता है। जहाँ कम खतरा वहाँ कम सैलरी, जहाँ अधिक खतरा वहाँ अधिक सैलरी दी जाती है। तो आप सभी इसे रख सकते हैं। ITBP को रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी। इसमें आपको काम क्या करना पड़ता है, इसमें आपको जो तैनात किया जाता है वह जैसे कि तिब्बत के क्षेत्रों के जहाँ ठंडा प्रदेश पाए जाते हैं, ठंडी क्षेत्र में आपको, उत्तर भारत क्षेत्र में आपको तैनात किया जाता है। तो अगर आप ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप सभी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी AR असम राइफल को रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है असम राइफल का भी। और इसमें जो आपको तैनात किया जाता है वह उत्तरी पूर्वी भाग में तैनात किया जाता है, जैसे आपका म्यांमार की सीमा हो गया, तो ये सभी पे तैनात किया जाता है। उसके बाद आप सभी BSF को रख सकते हैं। आप सभी को बताएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बॉर्डर पे तैनात किया जाता है, जैसे आपका पाकिस्तान का बॉर्डर हो गए, चीन का बॉर्डर हो गए, आपका बांग्लादेश का बॉर्डर हो गए, यहाँ पे आपको तैनात किया जाता है। उसके बाद आप सभी CRPF को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बना रहता है, जैसे BSF और CRPF में खतरा ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि BSF बॉर्डर पे काम करती है और CRPF जैसे कि वन की रक्षा करना, सबसे अधिक इसे वन के क्षेत्र में तैनात किया जाता है, जैसे कि वन की रक्षा तक्षा करना, उसमें आपको तैनात किया जाता है और उसमें खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सभी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक रहती है और इसका कटअप भी कम जाता है, तो आप सभी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानिए सबसे लास्ट में इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आप पढ़ने में ब्रिलियंट हैं, हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं आप सभी, तो आपको NI का पोस्ट बेहतर तरीके से मिल जाएंगे। देखिए भरना है सभी पोस्ट को, पहला नंबर जो आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी में आपको मिलने वाला है। अगर आप CRPF को पहला नंबर में रखिएगा, CRPF को पहला नंबर में रखिएगा, अगर इसका कटअप 60 प्लस जाता है और आपका 90 प्लस आ रहा है नंबर, तो आपको यही पोस्ट मिलेगा, ना कि आपको NI का मिल जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको बताएं उसी हिसाब से काम कीजिए, पहले NI को भर लीजिए, उसके बाद SSF को भरिएगा, तब CISF, तब SSB, तब ITBP, तब असम राइफल, तब BSF, तब CRPF को भरिएगा, बेहतर होंगे आपके लिए। जिस हिसाब से आपका नंबर आते जाएंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिलते चल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए जानते हैं सैलरी के बारे में कि आखिर सैलरी कितनी दी जाती है। देखिए कोई सैलरी फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है, जिस क्षेत्र में आपको दिया जाता है उसी हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। अगर सबसे अधिक खतरा क्षेत्र में आपको ड्यूटी मिलता है तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अगर सबसे अधिक खतरा क्षेत्र में आपको ड्यूटी दी जाती है तो वहाँ पर आपको सैलरी अधिक मिलेगा। अगर कम जहाँ खतरा रहता है तो वहाँ सैलरी भी कम दी जाती है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। अगर मैक्सिमम की बात करें, न्यूनतम 21,000 से समथिंग स्टार्ट होता है और 69,000 इसका लास्ट है, और ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 समथिंग इसका ग्रेड पे रहता है। तो ये आपको सैलरी दी जाती है, ये मैक्सिमम की बात करें हम सभी, इसीलिए आपको स्टार लगा के दिखा दिए। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना सैलरी दिए जाएंगे। आइए अब जानते हैं पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप सभी SSC GD में हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं एक अटेम्प्ट में, तो आपको एक रणनीति जरूर बनाना चाहिए। अभी वैकेंसी आई हुई है, आप सभी अगर अभी से तैयारी में जुड़ते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, जो बुक को आपको बताएं उस बुक को फॉलो करते हैं, तो आपका नेक्स्ट लेवल तक तैयारी हो जाएंगे और आप हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। अगर आप सभी SSC GD में सफलता पाना चाहते हैं, हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं आप सभी, और अच्छा पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, ताकि आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। इसके लिए आपको
एक बेहतर रणनीति बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस क्या है, जो अभी आपको बुक बताएं उस बुक को फॉलो कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आप सभी डेली का 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो आपको बुक बताएं उस बुक को फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आपका निश्चित तैयारी हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डेली ऐसे शपथ लीजिए, डेली 7 से 8 घंटा प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए, हर टॉपिक को क्लियर कीजिए जहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप भी जरूर सॉल्व कीजिए, तभी आप को समझ में आएगा कि पिछले बार पेपर में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और क्या गलती किए थे आप सभी पिछले बार, जिसके कारण से आपका रिजल्ट नहीं हुआ था। अगर अब की बार रिजल्ट बनाना चाहते हैं, एक सेट पक्का करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप जरूर जुड़िए। नीचे का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। और आप सभी युवा शक्ति PDF सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आने वाला होगा आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो वहां से आप सभी हर चीज को देख सकते हैं। तो आप से जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो चलिए आज कितना ही, आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी आज के इस वीडियो को। अगर आप से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो युवा शक्ति जी के कोच के YouTube चैनल से जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।